नमस्कार, मैं सोहन आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के समक्ष लाया हूं एक वीडियो जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगा हम किस प्रकार से नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त करते हैं। आप सभी देख पाएंगे कई जंगलों एवं रास्तों को पार करने के बाद हमारी इस नाव से हम नर्मदा तट पर आए हैं। यह नर्मदा का तट ओमकारेश्वर के बहुत ही नज़दीक है, लेकिन यहाँ आने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार से नेचुरल नर्मदेश्वर शिवलिंग बने होते हैं। नर्मदा की इस धारा से शिवलिंग बहकर एक अद्भुत एवं सुंदर रूप की प्राप्ति करता है एवं इसमें आप देख सकते हैं कुदरती रूप से कई सुंदर एवं अलौकिक आकृतियों का निर्माण होता है। छोटे एवं बड़े साइज के नर्मदेश्वर शिवलिंग सभी में कुछ न कुछ सुंदर एवं अद्भुत आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि आप देख पाएंगे इनमें नेचुरल रूप से जनेऊ बनी हुई है। यह सारे महाकाल रूप के नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इनमें कई अद्भुत तिलकधारी, जनेऊधारी, ओमकार, नीलकंठ अतिरिक्त अद्भुत एवं सुंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इन शिवलिंगों को नाव के माध्यम से नज़दीकी किनारे पर ले जाया जाता है। उसके बाद कई शिवलिंगों को सुंदर रूप दिया जाता है। आप सभी देख सकते हैं सभी शिवलिंग में बड़े ही सुंदर रूप से प्रकृति ने किसी न किसी चीज का निर्माण किया हुआ है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो इन शिवलिंग के अंदर ओमकार की आकृति बनी हुई है। ये देखिए, इसमें ओम की आकृति प्राकृतिक बनाई गई है। कई भाइयों एवं बहनों को ऐसा लगता है कि हम लोग इसमें किसी रूप से कुछ आकृति का निर्माण करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी शिवलिंगों में प्राकृतिक रूप से ही कुछ ना कुछ आकृतियां बनी हुई होती है। ये देखिए किस प्रकार से अर्धनारीश्वर शिवलिंग का निर्माण होता है। इसमें दो अलग अलग रंगों का मिलन है। ये देखिए नेचुरल स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग। ऐसे ही अद्भुत एवं सुंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।